यार वैसे $90 में दिखा नहीं है, ये भी $100 का है। वैसे पूमा के डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। टॉमी हिलफिगर की जैकेट है और इसकी रिटेल प्राइस है $270 और सेल में इट इज़ अवेलेबल फॉर $100 ओनली। तो भाई ये होती है डील और ये होता है DFO का फ़ायदा। यार वैसे आपस की बात है, आपके भाई को शॉपिंग का कोई ख़ास शौक नहीं है, मगर आई लव टू कम टू DFO क्योंकि अबे यार एक तो ये लड़कियां भी ना, हसीन आदमी देखा नहीं कि लग गई छेड़ने। मैं कहाँ लेके जाऊँ इस हुसन को भाई। शॉपिंग सेंटर्स तो मेलबर्न में एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन शॉपिंग का सही मज़ा तो तब आता है जब आपको मिलती हैं डील्स, कहीं 50% ऑफ तो कहीं 70% ऑफ। नहीं समझे, आइए समझाते हैं। Hello and welcome to Ascendant DFO. तो भाई आज हम मौजूद हैं Ascendant DFO में। Now DFO stands for Direct Factory Outlet. And this is a concept that was first introduced in Australia in 1990s. The idea was to create a shopping experience that would allow customers to buy products directly from the manufacturers, yani middleman ko topi karakar. By middleman ko topi karane ka fayda ye hota hai ki manufacturers are able to offer great discounts to the customers, and obviously it's a win-win for everybody. Ab misal ke taur par ye jacket check karein. टॉमी हिलफिगर की जैकेट है और इसकी रिटेल प्राइस है $270 और सेल में इट इज़ अवेलेबल फॉर $100 ओनली। तो भाई ये होती है डील और ये होता है DFO का फ़ायदा। अब ये जैकेट के चक्कर में अंदर आ ही गए हैं तो चलें ज़रा टॉमी की शॉप का डिटेल में जायज़ा लेते हैं। प्राइस कितनी है भाई? $70, 30% ऑफ है तो मेरा ख्याल है कोई $50 के करीब बन जाएगी। और ये वाली जैकेट्स अच्छी हैं। $250 की है भाई ये जैकेट। ये अच्छी है यार टी शर्ट 270 की। ये जो पीछे स्टाइल आता है ना हेल्पिगर लिखा हुआ, ये ज़बरदस्त लगता है भाई। टॉमी की ब्रांडेड दो पट्टे की चप्पल मौजूद है $70 में। टॉमी की चप्पलें हैं और ये हैं भाई $70 की। कमाल करते हो पांडे जी, इतने में तो एक दर्जन आ जाएंगी बाहर से। भाई Ascendant DFO में तकरीबन 150 के करीब रिटेल आउटलेट्स हैं। जूते, कपड़े, ज्वेलरी, वॉचेस, हर आइटम के ब्रांड्स मौजूद हैं विद डिस्काउंट। भाई $600 के दो सूट मिल रहे हैं, ले लें अगर आपको शौक हो तो। यार ये DFO वाला कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया में इतना सक्सेसफुल हुआ है कि नाउ देयर आर DFOs इन ऑलमोस्ट एवरी मेजर सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। And this Ascendant outlet is one of the most popular DFOs of them all.
जाहिर है भाई, अगर आपको इतनी मेहनत करके दिखा रहे हैं तो पॉपुलर ही होगा ना यार। भाई 70% ऑफ चल रहा है टाइमलेस वॉचेस पे, जाके घड़ियां खरीद लें जितनी खरीदनी है अभी तो। भाई DFOs की अच्छी बात यह है कि यू गेट अमेजिंग डील्स ऑन ऑल हाई एंड ब्रांड्स। तो अगर आपको कोई अच्छी चीज़ दिख रही है जो सेल में है तो भाई फ़ौरन पकड़ लें, क्योंकि वो ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। यार वैसे जूतों की भी बड़ी वैरायटी मौजूद है, स्केचर्स, नाइकी, पूमा, चैम्पियन तो वैसे जूते का ब्रांड नहीं है, मगर खैर मतलब आप समझ गए ना यार। चलें ज़रा जूते चेक करते हैं। $105, not bad. $70. $100 गेम। ये तो स्कूल शूट लग रहे हैं यार, ये तो बाटा वाले। ये कुछ बेहतर है, $110। ये अच्छे लग रहे हैं। यार वैसे $90 में दिखा नहीं है। ये भी $100 का है। वैसे पूमा के डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। अच्छा ये सारे क्लियरेंस आइटम हैं, ये जो पूरा रैक लगा हुआ है ये क्लियरेंस आइटम्स हैं, और ये मेरे ख्याल और भी सस्ते हैं। इसमें ये कि आपको बस साइज़ नहीं मिलता, बस जो है वही है। अब जैसे ये है, ये $150 का है, ये 95 का है, ये 80 का है, ये 100 का है। तो इसमें आपको अगर कोई समझ में आ रहा है और ये आपके साइज़ का है देन यू कैन टेक इट, लेकिन इसमें आपके पास चॉइस नहीं होगी कि यार ये वाला शूज़ चाहिए लेकिन अब इसमें साइज़ 11 चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। यार वैसे आपस की बात है, आपके भाई को शॉपिंग का कोई ख़ास शौक नहीं है, मगर आई लव टू कम टू DFO क्योंकि अबे यार एक तो ये लड़कियां भी ना, हसीन आदमी देखा नहीं कि लग गई छेड़ने। अबे कहाँ लेके जाऊँ इस हुसन को। कमाल करते हो पांडे। चीके आ गया भाई, चलें जरा चीके चेक करते हैं अंदर से। चीके की शर्ट चेक करें भाई, $50 और इस पे 30% ऑफ है तो $35 की पड़ेगी। शर्टें अच्छी हैं ये। $70 की, $240 की है ये जैकेट। यार वैसे वीकडे में रश नहीं होता तो वीकडे में आना ज़्यादा बेहतर है।
भाई शॉपिंग करते करते थक जाएं तो यहाँ मल्टीपल फूड कोर्ट्स मौजूद हैं, यहाँ पे आइए, खाइए, पीजिए, ताज़ा दम होइए और फिर दोबारा अपनी शॉपिंग कंटिन्यू कीजिए। तो भाई आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि भाई वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको। चलें आज तक के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स द मेलबर्न वॉकर साइनिंग ऑफ, अलविदा। यार वैसे तसल्ली से आने वाली जगह है ये।